दिल्ली एक्साइज स्कैम में आरोपी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी जारी कर सकती है। इसमें सिसोदिया के साथ 15 और आरोपियों के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। नोटिस जारी होने के बाद ये लोग देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे, साथ ही इन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी को लुकआउट नोटिस के नाम से भी जाना जाता है। लुकआउट ऑर्डर सर्कुलर किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकता है। इस नोटिस के जारी होने के बाद आरोपी की देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लग जाती है। लुकआउट नोटिस का इस्तेमाल इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे एयरपोर्ट, समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों पर इमिग्रेशन जांच के लिए किया जाता है। लुकआउट नोटिस जारी होने का मतलब है कि इमिग्रेशन अफसर ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट पर ही रोक सकते हैं या उन्हें हिरासत में ले सकते हैं। पुलिस कुछ मामले में देश के बाहर किसी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ऐसा तब होता है जब वह व्यक्ति संदिग्ध हो और इस बात की आशंका हो कि वह जांच में शामिल होने से बचना चाह रहा है। बता दें कि लुकआउट नोटिस को अथोराइज्ड ऑफिसर ही जारी कर सकता है। डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे का अफसर इसे जारी नहीं कर सकता है। किसी राज्य में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के नीचे का अधिकारी इसे जारी नहीं कर सकता है। बता दें किसी जिले का कलेक्टर या एसपी, सीबीआई या ईडी जैसी जांच और सिक्योरिटी एजेंसियों के डेजिग्नेटेड अफसर के साथ ही इंटरपोल के डेजिग्नेटेड अफसर भी इसे जारी कर सकते हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में एडिशनल डायरेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी इसे जारी नहीं कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।